नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज एक छोटू सा टॉपिक आपके लिए लेके आया है, ये टैंक के बारे में है। जनरली जो आप अपने घर में यूज करते हो और जो पब्लिक सप्लाई के लिए भी अगर यूज होता है, और आप कोई भी बिल्डिंग बनवा रहे हैं उसके ऊपर तो टैंक लगना ही टैंक, तो कौन सा टैंक ये आज हम जानकारी जिसके बारे में प्राप्त करेंगे वो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोल्डेड पॉलीथिलीन वाटर स्टोरेज टैंक, ठीक है, जिसको आप लोग मार्केट में पीवीसी टैंक के नाम से भी जानते हो, यही वाला टैंक है, ठीक है। इसके एक एक चीज़ बारीकियों से देखने का कोशिश करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो कुछ क्या होता है, ये जो मेड होता है टैंक, मेड विद पॉलीथीन पाउडर यानी पॉलीथीन रिजिन से यूज करता है। अब कौन सा प्रोसेस होता है? रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। तो इसमें जो छोटे से टेक्निकल टर्म है वो देख लेते हैं। रिब क्या होता है, ड्रेन पाइप कहाँ लगता है, आउटलेट और इनलेट पाइप कहाँ लगता है, एयर वेंट पाइप का क्या काम है, ओवरफ्लो पाइप का क्या काम है, इफेक्टिव हाइट क्या होता है, ओवरऑल हाइट क्या होता है। तो ये एक वन बाई इफेक्टिव हाइट क्या होगा, टैंक का जो बेस होगा, टैंक का जैसे ये टैंक है, मान लो ये टैंक है, तो टैंक का जो बेस होगा और जो ओवरफ्लो पाइप लगेगा तो उसका जो ये हाइट होगा ये इफेक्टिव हाइट होगा, और ओवरऑल का जो टैंक का जो फुल्ली हाइट होगा, एक हाइट होगा ऊपर तक, उसको ओवरऑल हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट एक बार देख लो आप, रिब हो गया, ड्रेन पाइप हो गया, तो नेक्स्ट फिगर के थ्रू भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिगर के थ्रू। ये देखो आप जो IS कोड मैंने बोला था, ये आप पढ़ भी सकते हो, जाके ऑनलाइन पढ़ लेना, 12701 है, बहुत सारे चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा। ये तो लाइसेंस नंबर, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में मैं और लेके आया आपके लिए, और देखो सेम है यहाँ भी, ये ठीक है, IS कोड लिखा हुआ। अब देखो इसका जो कंपोनेंट था उसके बारे में क्या है, पहला रिब के बारे में। तो रिब क्या होता है, ये जो उभरा हुआ दिख रहा है ये, इसका क्या फंक्शन होगा आप कमेंट में करना, बाद में मैं बताऊंगा। रिब है ये, अभी सिर्फ साउंड नॉलेज के लिए ये जान लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिगर, सेम है फिगर, और ये देखो इस ये फिगर है, ये जो ISO वाला है ये, ठीक है, ये बाद में देखते हैं। पहले रिब हो गया, ये इनलेट हो गया, कौन सा इनलेट हो गया, एक मिनट, ये ऊपर वाला देख रहे होगे ना, ये इनलेट है जो एरो लगा हुआ है, ठीक है। अब देखा ये वाला जो एरो है, ये वाला इनलेट है, फिर ये हमारा आउटलेट पाइप है ये वाला, और ये हमारा वेंट पाइप हो गया, ये जो ऊपर है, और ये हमारा ओवरफ्लो पाइप हो गया। एक ड्रेन आउट पाइप होता है, ड्रेन आउट पाइप कहाँ होगा, जो आउटलेट पाइप से जस्ट नीचे होगा। आउटलेट पाइप एक आप लोगों को मन में आना चाहिए, आप लोगों के मन में, कि वो जो आउटलेट पाइप है वो थोड़ा सा ऊपर है, देखो ये थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इतना एक्स्ट्रा पानी इसमें जमा रहता है, और जो ड्रेन आउट पाइप होगा ये जस्ट बेस में होगा, ताकि सारा का सारा पाइप, सारा का सारा पानी हम बैकेंड कर सके। तो हो गया ये, और ये सब क्या क्या है, क्या क्या इसका फंक्शन, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ से आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। मल्टी लेयर्स में टैंक अवेलेबल है मार्केट में, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर्स, ये देखेंगे कैसे, ये भी हम देख लेते हैं आगे के वाले फिगर में, ठीक है। क्या है पहला पॉइंट, द आउटलेट होल पोजिशन इन टैंक इज स्लाइटली अप फ्रॉम द बेस ऑफ टैंक टू सेटल द सस्पेंडेड पार्टिकल। अच्छा देखो जो यहाँ पे बातें आती हैं, ये जो अभी मैं बता रहा था आपको कि ये थोड़ा ऊपर है, यानी पानी कुछ इसमें से जमा रहेगा, ये क्यों क्यों रखा जाता है इसका, इसका जो सबसे मेन फंक्शन है, देखो पानी में जो गंदगी होगा अगर यहाँ, तो ये सेटल डाउन हो जाएगा नीचे की ओर, और जो थोड़ा सा ऊपर है तो गंदगी नीचे रह जाएगी और स्वच्छ पानी हमारा आउटलेट पाइप से आ जाएगा, ठीक है। और ड्रेन पाइप क्या करेगा, हमारा जो जब टैंक सफाई करेंगे तो इससे पानी को, हम जो जमा हुआ पानी उसको निकाल देंगे, और फिर
अंदर उसकी सफाई कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्रेन आउट होल इज स्लाइटली, वही है आउटलेट पाइप के जस्ट नीचे होता है ताकि वैकेंट कर सके हम टैंक को, खाली कर सके टैंक का गंदगी वाले पानी जो है, और साफ सफाई कर सके टैंक को। अब है दूसरा जो इम्पोर्टेंट है एयर वेंट पाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कभी कभी महसूस करते होंगे कि हमारे यहाँ हमारे नलों में प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो होता क्या है वही एयर वेंट पाइप सही जगह नहीं लगाने के कारण एयर बबल्स एयर पैकेट्स जम जाते हैं पाइप के कॉर्नर वगैरह में जहाँ बैंड होता है वहाँ, या फिर पाइप में, जिसके कारण पानी का फ्लो कम हो जाता है, मतलब पाइप का डाया सोचो कम हो गया। तो वही चीज़ है यहाँ, द एयर वेंट पाइप इज ऑलवेज इंस्टॉल्ड एट द प्लेस वेयर द पाइप बेंड टू एलिमिनेट द एयर पॉकेट्स को, एज वी नो एयर इज मच लाइटर, बहुत ये हल्का होता है पानी के, तो इसीलिए क्या होता है जब बहुत हल्का होता है ना तो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा सकेगा ना ही उसके साथ साथ चल सकेगा, तो इसीलिए एक जगह पे पॉकेट्स टाइप बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है पाइप का जो डाया सिकुड़ जाता है मान लो एक तरह से, जिसका पानी का फ्लो कम हो जाता है और हमारे नल में कम पानी आता है। अब बैंड पाइप का हाइट कितना होगा, जो हमारा जो ओवरफ्लो पाइप है ना उससे ऊपर रहेगा बैंड पाइप। अब देखते हैं फिगर के थ्रू, ये देखो ये बैंड पाइप है हमारा, ये बैंड पाइप है ना, ये वेंट पाइप है, इसको ऊपर में टी लगी हुई है, ये ऊपर है हमारा ओवरफ्लो पाइप से, ये ओवरफ्लो पाइप भी वेंट पाइप की तरह काम करता है। अब देखो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है इसने, ये जानबूझ के मैंने ये फेल है, यहाँ से इंस्टॉल करने से होगा ये फुल्ली वर्क नहीं करेगा, इसका सही पोजीशन ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। देखो यहाँ पे जो बैंड लगा है यहाँ पे लगाने से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, या नहीं तो जहाँ से ये दीवार होगा मान लो ये दीवार गया और यहाँ पे बैंड हुआ होगा, तो यहाँ पे लगाना बैंड पाइप जो होगा ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। होता क्या है ये देख, तो ये कॉर्नर है ना यहाँ पे एयर पॉकेट्स बन जाता है, ठीक है, जब पे टैंक खाली होगा तो यहाँ पे एयर पॉकेट्स बन जाएगा, एयर होता है हल्का ना वो इधर जा पाएगा ना ये उधर जाएगा, ये अड़ा रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आरा रहेगा तो पाइप का डाया ऑब्वियसली ऑब्वियसली कम हो गया, डाया कम हो गया तो पानी कम मात्रा में जाएगा, जिसके कारण हमें जो वहाँ प्रेशर ड्रॉप दिखेगा नल में, ठीक है। तो एयर वेंट पाइप है तो कुछ नहीं लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो इसका सही जगह पे इंस्टॉल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए यहाँ पे अगर रहता तो ज़्यादा वर्कफुल होता, ज़्यादा ही इफेक्टिव होता, ठीक है। यह आउटलेट पाइप हो गया, ठीक, और क्या छूट गया इसमें, हाँ अभी के लिए बस इतना ही, और देखते हैं क्या क्या है ऊपर होता है, ठीक है। ये देखो ये आपका जो ये है ओवरफ्लो पाइप, इससे ऊपर है वेंट पाइप, थोड़ा सा नहीं होगा यहाँ पे छोड़ दोगे तो ये इतना पानी भरेगा, इससे ऊपर जाएगा तो सारा सारा वेंट पाइप से ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। वेंट पाइप का इंपॉर्टेंस देख लिया, आपको कहाँ लगाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो लेयर्स की बात किए थे, 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर में एलियर होता है, तो ये देखो फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड लेयर ये है हमारा, ये टैंक का कट पीस है जिसको मैंने दिखाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखो टैंक का कट पीस है, ठीक है, ये देखो फर्स्ट लेयर है, ये क्या है कार्बन ब्लैक कंपाउंड पॉलीथिलीन के मटेरियल रिजिन से बना हुआ, सेकेंड लेयर है 100% फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है, ताकि क्यों, क्योंकि वही अगर पीने में इस्तेमाल अगर कुछ ऐसा है पॉइजनस मटेरियल से बना रहेगा तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और क्या है ये वाला जो टैंक मैंने दिखाया था व्हाइट कलर का, ये यहाँ देखो व्हाइट कलर है और वो ब्लैक कलर था, देखो 1200 165 ये जो स्पेसिफाई करता है वो यही ब्लैक डिजाइन से बना हुआ, ये जो ब्लैक कलर का ये 1200 है, और ये सारे जो टैंक आप देख रहे हो वाइट येलो अदर कलर का वो ISO सर्टिफाइड है, ठीक है। अंदर बस इतना ही, देखो ब्लैक कलर का जो है वो 2 लेयर से ज़्यादा लेयर का ही अच्छा, ये सब जो है 100% फूड ग्रेड से, मतलब अंदर बाहर सारा कुछ मटेरियल जो होता है फूड ग्रेड का यूज होता है, स्लाइटली रेट तो हाई रहता है लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वाला बहुत ही बेहतर होता है। और दूसरी बात है वो ब्लैक कलर का होता है और हम जानते हैं हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा वो ब्लैक, और ये ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इसका उसके बनस्पत इसका पानी
रहेगा, ठीक है। और भी क्या होगा, दूसरा बात है लेयर्स, जितना ज़्यादा लेयर होगा उतना ही ज़्यादा ये पानी को ठंडा रखेगा और मजबूती बढ़ेगा, ठीक है। ये छोटी सी नॉलेज है, और भी बताना है कुछ इसके बारे में, लेकिन अभी साउंड नॉलेज देना था, ये पढ़ लो आप, बाकी सारे कुछ हो ही गया। इफेक्टिव हाइट के बारे में बोलना था, क्या है, क्या क्या बच गया आपका, इफेक्टिव हाइट। देखो इफेक्टिव हाइट क्या हो गया, ये टैंक का ये बेस हुआ, और ये एक मिनट कहाँ चले, ये हो गया अपर फुल हाइट और यहाँ हो गया टैंक का बेस, ये जो हाइट है ये इफेक्टिव हाइट है। और इससे जो ऊपर ये वाला जो पोर्शन ले लोगे आप, तो ये वाला ऐड कर देते हो आप, तो ये ओवरऑल हाइट हो गया आपका, तो यही हो गया, रिब हो गई गया। अब देखो आईएसओ सेटिस्फाइड हो गया, उसका कुछ अलग डिजाइन होता है, मल्टीपल डिजाइन में आ गया, मल्टीपल शेप में आ गया है, मल्टीपल लेयर्स में अवेलेबल है, 100% फूड मटेरियल से बना हुआ है। मगर ये जो आईएसओ है, ISI मार्क जो है 12701 का जो प्रोसेस है, लगभग में एलिमिनेट हो गया। अब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ही ये सब लगता है, बाकी जो घर में लगाया जाता है सारे आईएसओ स्टैंडर्ड का जो होता है टैंक, वो बना हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। 100 एक तो 100% फूड ग्रेड मटेरियल से बना रहता है, दूसरा मल्टी लेयर में मिलता है ताकि ज़्यादा मजबूती हमें प्राप्त हो सके। ये छोटा सा था। अच्छा कोड कौन सा है, 12701 है, ठीक है, इसको ध्यान में आप रख लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कभी, और क्या बोल जाते जाते यही बोलूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, खुद का भी ध्यान रखिए, ज़्यादातर स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, क्योंकि सब कुछ स्वास्थ्य ही है, ठीक है। चलिए कुछ कुछ नया नया सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।